टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक रमेश चंद्र गौतम और लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमेश चंद्र गौतम मसूद आलम ने पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हम अपने संवाददाता हामिद अली से भी बात करेंगे। बीएसपी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार कन्नौजिया के तरफ से जारी प्रेस नोट में मसूद आलम और रमेश चंद्र गौतम पर पार्टी विरोधी होने का तरफ से ये जानकारी दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। सबसे पहले हम आपको रमेश चंद्र गौतम और मसूद आलम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसमें क्या बयान दिया गया है वो सुनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हमको जो निष्कासित किया है, पार्टी ने हमें पार्टी के कॉर्डिनेटरों ने, वो तो इसी मुद्दे पर निष्कासित किया है। जो हमने आपका समर्थन जो बहन ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट का हमने समर्थन में जो आपने उपवास किया, उपवास में हम आ गए, इस कारण से उन्होंने हमको निष्कासित कर दिया। तो क्या बसपा किसान विरोधी है? निश्चित रूप से जो हमको निष्कासित किया है। आपने अभी अपने कुछ दलाल किस्त के लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं देखना चाहते, मजबूत नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों ने षड्यंत्र करके जो है हम दोनों को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी के अंदर के हैं, पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं, पार्टी के हाई पदाधिकारी। नाम का खुलासा अभी आपने कर दिया, एक सांसद है माननीय श्री घनश्याम चंद खरवार जी, जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हीं के इशारे पे, उन्हीं के जो पर्यंत से हमको निष्कासित किया गया। अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता हामिद अली की तरफ। हामिद अली जी, पूरी जानकारी क्या है, जिस तरह से आज रमेश चंद्र गौतम और मसूद आलम खान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, इसमें बताया गया कि बीएसपी पार्टी जो है ये किसान विरोधी पार्टी है? जी, इनका कहना है, मनोज कन्नौजिया का कहना है, इसमें जो है जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, इनका कहना है कि पार्टी में कुछ ऐसा गतिविधियां करते थे और उनको सूचना मिली थी, कई बार वार्निंग देने के बाद भी ये लोग नहीं माने, तो इसकी वजह से निष्कासित किया गया है। और उन लोग का कहना है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश चंद्र गौतम और मसूद आलम खान ने आरोप लगाया पार्टी पर कि ये किसान विरोधी पार्टी है। हाँ, ये लगाया है कि उन्होंने एक दिन, मतलब जो है 14 तारीख को इन्होंने उपवास रखा था अपने घर पे, मसूद आलम खान ने, उसमें रमेश चंद्र गौतम भी आके शामिल हुए थे कि चाय पी के चले गए थे, उनका ये कहना था, और इसी वजह से वो जो है निकाल दिए गए हैं। मतलब उसमें जो है बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ यहाँ के अध्यक्ष हैं जो है और भी उसमें है, जो वो इधर उधर करके हमें जो है निकाला गया है। बाकी हम लोग है जमीनी स्तर से, उन्होंने बताया मसूद आलम खान ने कि मतलब हम जो है काफी दिनों से इसमें जो है काम किए हैं, जमीनी स्तर से काम किए हैं, और यहाँ तक कोरोना काल में भी मसूद आलम खान ने काफी लोगों की मदद की है और जमीन से जुड़े रहे हैं। और रमेश चंद्र गौतम का कहना था कि 20 साल से मैं पार्टी की सेवा करता आया हूँ और पूर्व विधायक भी रह चुका हूँ विकसित विधानसभा क्षेत्र से, फिर भी पता नहीं क्या हुआ है, ये हमें मालूम नहीं कि किस वजह से निकाला गया, मगर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। पार्टी में ही इनका कहना है कि पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे है जिनकी वजह से उन्हें बाहर निकाला गया है, किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी 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 हाँ, उसमें जो है कई लोगों की तरफ इशारा किया, मैं खुल के नहीं कहे हैं, मतलब उसे इशारा कर दिए हैं कि उसमें कई लोग हैं तो उसमें जो है उनकी वजह से निकाले गए हैं। बाकी वो भी कहे हैं कि इनको जो है पार्टी के कोऑर्डिनेटर जो है गोंडा के जिला हैं, उनको मायावती से अपील भी की है, उन्होंने कहा कि इनको भी निकाला जाए। अच्छा, जिला अध्यक्ष जो मनोज कुमार कन्नौजिया है, उनके तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इन्हें कई बार चेतावनी दी गई थी, कई बार समझाया गया था कि आप पार्टी विरोधी काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं माने बात को, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी ने इनके ऊपर ये कार्रवाई की और बाहर का रास्ता इन्हें दिखाया है। क्या जो मनोज कन्नौजिया हैं, इनसे भी आपकी कुछ बातचीत हो पाई है इस मामले पर? जी हाँ, आज उनसे हम उनके कार्यालय तक गए बहुजन समाज पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि कल हम प्रेस वार्ता करेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से जारी करेंगे, क्योंकि आगे से आदेश बहन जी का आएगा तभी कुछ कहेंगे, अभी जो है जो जितना कार्रवाई हो गई है उतना ही बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सारी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, गोंडा से ये हामिद अली
थे जो हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। और पूर्व विधायक रमेश चंद गौतम और मसूद आलम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जानकारी दी गई है इनकी तरफ से कि बीएसपी जो है वो किसान विरोधी है, कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन भी जारी है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब पार्टी भी बीएसपी पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें क्या जानकारी सामने आती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।